वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। एक जरा सी लापरवाही या अनजान लोगों पर अंधविश्वास आपकी गाढ़ी कमाई को मिनटों में आपसे छीन सकता है। डिजिटल इंडिया की इस नई हाईटेक ठगी को कोई फिशिंग कहता है तो कोई ऑनलाइन फ्रॉड, मगर दोनों का नतीजा एक ही होता है, आपके बैंक अकाउंट में सेध। जनसत्ता की इस रिपोर्ट में हम आपको इनसे बचने के उपाय बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इंटरनेट के जरिए धोखाधड़ी करना फिशिंग कहलाता है। फिशिंग के तहत लोगों की निजी और गोपनीय जानकारी जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर, नेट बैंकिंग पासवर्ड और पर्सनल डिटेल्स चुराई जाती हैं, जिसके बाद लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी जाती है। ज़्यादातर मामलों में ठगी का शिकार होने वाला कुछ नहीं कर पाता। फिशिंग के जरिए आपको अपना शिकार बनाने वाले ठग सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी जमकर इस्तेमाल करते हैं। फिशिंग करने वाले ठग लोगों के मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर फर्जी वेबसाइट का लिंक भेजते हैं और उस पर क्लिक करने के लिए लालच देते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही लोग एक फर्जी वेबसाइट पर चले जाते हैं जो दिखने में बिल्कुल असली वेबसाइट जैसी होती है। लिंक पर जाने के बाद लोगों से निजी और गोपनीय जानकारी जैसे कि पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर आदि को अपडेट करने के लिए कहा जाता है। आमतौर पर कई लोग फर्जी वेबसाइट को असली मानकर सभी डिटेल्स भर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। इतना करते ही उन्हें अपनी स्क्रीन पर एक एरर पेज दिखाई देता है जो इस बात को दर्शाता है कि वे फिशिंग के शिकार हो चुके हैं। कई बार बैंक कर्मचारी बनकर ये ठग आपको फ़ोन करते हैं और आपकी गोपनीय जानकारी हासिल कर लेते हैं। ऑनलाइन ठगी एक ऐसा अपराध है जिसे आप अपनी सावधानी से टाल सकते हैं। आपको बस उन दिशा निर्देशों का पालन करना है जो RBI और SBI वक्त वक्त पर जारी करते रहते हैं। आपको किसी भी अनजान सोर्स से ईमेल के जरिए कोई लिंक मिलता है तो उस पर क्लिक ना करें। इसके जरिए फ्रॉड का प्रयास किया जा सकता है। किसी ऐसे पेज पर कोई निजी और गोपनीय जानकारी ना दें जो पॉपअप विंडो के रूप में सामने आती हो। फोन या ईमेल पर किसी भी अवांछित अनुरोध के जवाब में कभी भी अपना पासवर्ड ना दें। हमेशा याद रखें कि पासवर्ड, पिन, टिन आदि जैसी जानकारियां पूरी तरह से गोपनीय होती हैं और बैंक के कर्मचारी या अधिकारी को भी इसकी जानकारी नहीं होती है। इसीलिए मांगे जाने पर भी आपको किसी भी ऐसी जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए। कभी भी अपना UPI पिन किसी अनजान कोड को स्कैन करके न भेजें। किसी अनजान के कहने पर कोई भी ऐप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड न करें। अपने बैंक के डिटेल्स को हमेशा गोपनीय रखें। खुद को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाए रखने के लिए जितना ज़रूरी ये जानना है कि क्या ना करें, उतना ही ज़रूरी ये जानना भी है कि क्या करें। बैंकिंग से जुड़े किसी भी काम के लिए हमेशा सही वेबसाइट पर ही जाएं, जिसके लिए हमेशा सही URL डालना ज़रूरी है। ध्यान रखें कि जब भी आप किसी पेज पर अपना यूज़र ID और पासवर्ड डाल रहे हैं, उस पेज का URL HTTPS से शुरू होता हो। HTTP से शुरू होने वाले URL पर फ्रॉड हो सकता है। HTTPS में S की मौजूदगी सिक्योर्ड वेब पेज को दर्शाती है। इसके साथ ही ब्राउजर के दाईं ओर लॉक का निशान भी जरूर देख लें। लॉक का निशान भी सुरक्षा का संकेत देता है। अपने अकाउंट का यूजर ID और पासवर्ड हमेशा वैलिड लॉगिन पेज पर ही डालें। फोन या इंटरनेट पर अपनी निजी जानकारी तभी दें जब आपने खुद कॉल या वेब सेशन शुरू किया हो।
इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बैंक आपसे कभी भी ईमेल के माध्यम से आपके खाते की जानकारी वेरीफाई करने के लिए नहीं कहता। तो ये वो चंद उपाय हैं जिसे अपनाकर आप अपने आप को और अपने अपनों को ठगी का शिकार होने से बचा सकते हैं। ये जानकारियां आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे ही काम के लिए और काम की बातों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।